अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ यहाँ पर एक यंग डायनेमिक पर्सन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जिनका नाम जो है मुबशिर साहब। मुबशिर जो कम उम्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है बच्चों को दे रहे हैं, कोच हो चुके हैं, माहौल प्रेमी ये कोच दे रहे हैं माशाल्लाह ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स में जो है इनके स्टूडेंट्स को लेके ले जाकर पार्टिसिपेट कराए हैं। तो आइए तफसील जानते हैं। मुबशिर साहब 99 टीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। मुबशिर साहब ये बताइए, आप जो बेड़ा उठाए हैं स्टूडेंट्स को जो है आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी तक कितने बच्चों को दिए ट्रेनिंग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक 10 स्कूल्स में कोचिंग देता हूँ, मैं एक 10 से 12 स्कूल्स में, और मेरा क्लब है सुल्तान शाही ग्राउंड में जहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ट्रेनिंग देता हूँ सुबह और शाम। वहाँ से मैं तालाब कट्टा मोबलपुरा जितने भी जो अपने एरिए है वहाँ से ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए मैं मेहनत करा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑल इंडिया नेशनल्स खेले, पूरे इंडिया में घूमते, पूरे इंडिया में जो है हैदराबाद का नाम मशहूर करे, स्टेट का नाम मशहूर करे, और बैरूनी मुल्क में भी। रिसेंटली जो है मैं थाईलैंड गया था इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जो थाईलैंड में रिकोगनाइज हुई थी, उसमें मेरे 2 स्टूडेंट्स जो है गोल्ड मेडल लाए और बाकी के जो है पार्टिसिपेशन करें। अब जो रिसेंटली जो चैम्पियनशिप थी कर्नाटका मैसूर में थी जहाँ पर जो है ऑल इंडिया ये स्टूडेंट ऑल गेम्स फेडरेशन की तरफ से वहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज था जिसमें ऑल इंडिया के स्टेट्स आए थे, उसमें एक हैदराबाद की स्टेट की तरफ से सिर्फ हम लोग थे बॉक्सिंग में जो पार्टिसिपेट करे, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज और सिल्वर आए। ख़ास तौर से मेरा एक मैसेज हमेशा से ये रहता कि गर्ल्स के लिए मैं पेरेंट्स से हमेशा ये एक बात बोलता हूँ, जब भी मुझे मौका मिला जैसा कि टीवी 99 हमें हमेशा सपोर्ट करे, आदिल भाई जो हमेशा हमें स्पोर्ट को सपोर्ट करे, हमेशा भाई ये बात बोलता हूँ कि पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चियों को सपोर्ट करिए एज ए स्पोर्ट्स में, जैसा कि सेल्फ डिफेंस। आज हालात ऐसे हैं शहर में जैसा कि अब रिसेंटली जो केसेस हुए जो गर्ल्स के लिए ख़ास तौर से, हमेशा पेरेंट्स साथ में नहीं रहते और बच्ची के साथ हमेशा भाई नहीं रहते, कभी ना तो कभी कुछ ना तो कुछ खुदा ना खास्ता हो सकता। तो मेरे से गुजारिश है मेरी माँ और बहनों से कि आप लोग सेल्फ डिफेंस कराटे बॉक्सिंग जो भी चीज़ें सीखिए, और मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ सुल्तान शाही ग्राउंड में। अभी जो है आपके पास कितने गर्ल्स आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं? मेरे पास टोटली जो है 11-12 गर्ल्स है जो बॉक्सिंग और कराटो में जो है अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं कई चैंपियनशिप्स में, पंजाब दिल्ली हरियाणा, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंडिया जो है फाइट्स के होते रहे जी। और लास्ट मुकाबला आपका गर्ल्स से जो है कौन से स्टेट से हुआ गर्ल्स का? जी मेरे अब जो रिसेंटली जो हुआ था मुकाबला वो जो है पंजाब की लड़की थी उसके साथ मेरे जो हैदराबाद पंजाब वर्सेस हैदराबाद जो है हुआ था, उसमें बहुत अच्छा मुकाबला था माशाल्लाह से। और ख़ास तौर से अपने गर्ल्स ये सोच गर्ल्स जो है सोच रहे कि हम भी कुछ करना सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना का नाम और हैदराबाद का नाम हमेशा से हम करते आए और आगे भी करते रहेंगे और इंडिया का। पेरेंट्स को कितना आपको कन्विंस करना पड़ता है बच्चों को वहाँ तक भेजने के लिए? अब देखिए इसमें अब ऐसा मसला है कि अब पैसों का मसला आता है क्योंकि तालाब कट्टा मोगलपुरा जो स्लम एरिया है यहाँ से पेरेंट्स को समझाते हुए उठा के लेके जाने के वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। पहले तो सही गर्ल्स के लिए मुश्किल होता था कि बच्चियाँ हैं कैसा भेजना, हम शादियाँ होना है बच्चियों के, फीजा ख़राब हो जाती, ये सब थिंकिंग अपने लोगों में है। ये तकरीबन हर किसी हिंदू मुस्लिम सब हर कोई जो भी गर्ल्स है वो सब अपनी बहन है और इन लोगों को सीखना ज़रूरी है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा मुस्लिम नहीं हिंदू नहीं ऑल जितने भी इंडिया में जितने भी है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि सीखे। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि लोगों को कन्विंस करना कि बच्चियों को सिखाइए स्पोर्ट में आगे बढ़ाइए। तो नाज़रीन ये थे मुबशिर साहब के जो है माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। हम इनका जो है 99 की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि जो आपका नाम रोशन कर रहे हैं, शुक्रिया अदा शुक्रिया। तो नाज़रीन मुबशिर साहब की जो है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जिनका नाम जो है अंजुम नाम है, स्टूडेंट है उनके। तो आइए सुनते हैं उनके मूल ज़बानी उन्हीं की कहानी कि यहाँ तक कितने मुश्किलों का सामना करते हुए पहुँचे हैं और कैसा हासिल किए, कितनी मेहनत करना पड़ा उसके ताल्लुक से फिर मालूम करते हैं। अंजुम आपको बहुत बहुत मुबारक बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक है जो आप गोल्ड मार कर आए हैं। आपको कैसा लगा आपका फाइट लड़ते हुए, आपको कैसा फील हुआ? आप सोचे थे कि मैं जीत के रहूँगी या किससे फाइट होंगे, ऐसा कुछ दिमाग में था? फाइट तो करना है। अच्छा माशाल्लाह।
तो आपके पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं? पेरेंट्स का तो बहुत सपोर्ट है मेरे को, साथ ही साथ कोच का भी बहुत सपोर्ट है। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके फ्रेंड्स को, गर्ल्स को, तेलंगाना के जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियों के खास तौर से, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मुस्लिम इस पर क्या बोलते, तो बच्चियाँ अगर स्पोर्ट में गए तो वे एग्जाम हो जाते हैं, फिर बच्चियों को स्पोर्ट में जो है आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन बच्चियाँ स्पोर्ट में रहना, बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है आजकल के माशरे में, तो बहुत ज़रूरी है। फिर अपन जो है हिजाब में रह के भी बॉक्सिंग कर सकते हैं, बॉक्स में हो चाहे कौन सा भी स्पोर्ट हो, बच्चियाँ सेल्फ डिफेंस सीखना, अपनी भी हिफाजत करना और दूसरों की भी हिफाजत करना। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कौन से कॉलेज से कर रहे हैं? अच्छा, कॉलेज जाते हैं जो है आप प्रैक्टिस को जाते हैं, तो कितना आपको मेहनत लगती है? डेली 2 आवर्स प्रैक्टिस रहती है मेरी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अच्छा जी, जी। उसके बाद कॉलेज को जाते हैं, फिर उसके बाद में घर का काम आके करते हैं? जी, घर का काम तो कुछ भी नहीं रहता, स्टडीज करना रहता बस। जी चलिए, बहुत बहुत मुबारक। आप कौन से स्कूल में एजुकेशन कर रहे हैं? कौन सा? 10th क्लास में। तो आप क्या कितनी देर मेहनत करते हैं स्कूल के साथ साथ जो प्रैक्टिस भी करते हैं? मॉर्निंग में। आपको कैसा महसूस हुआ गोल में मारने के बाद? क्या फील हुआ? अच्छा, फर्स्ट में। कहाँ कहाँ गए थे आप? मैसूर। इससे पहले कहाँ? फर्स्ट टाइम आपको जाकर कुछ सीधा डायरेक्ट गोल मिली, माशा। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे फ्रेंड्स? नाज़रीन, एक कमसिन उम्र का लड़का है अय्यान नामकारी, जो है 13 साल की उम्र में, माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि जो है 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल लेकर आया बच्चा, कि जो है आपको बेटा अय्यान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने गोल्ड मेडल लेकर आया। तो आप कितनी मेहनत करते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अपने कोच का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मेरे मम्मी डैडी का, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उनकी वजह से आज मैं यह मुकाम पर हूँ। कहाँ पर रहते हैं? मैं नशीबन में। तो आप क्या बनना चाह रहे हैं? मैं एक अच्छे इंटरनेशनल बॉक्सर बनना चाहूँगा। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? मैं लगभग दिन में 4 से 5 घंटे। कोई आप ऐसा मिस यूज तो नहीं करते ना उस गेम को? नहीं, सिर्फ गेम के हद तक ही रखते हैं ना बॉक्सिंग को, ऐसा नहीं कि जो दोस्तों भी मार दे रहे भाई भी मार दे रहे, बस गेम के हद तक। कमसिन उम्र के लड़के भी मेरे साथ यहाँ पर तो मौजूद हुआ, तो आइए सुनते हैं उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस की, कम उम्र में गोल्ड मेडल लेकर आए, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अहद है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब अनवर है। जी, कैसा देखा आपको यहाँ, आप जो जीत कर आए, कितनी मेहनत करे? हमने बहुत मेहनत की थी, हमारे कोच मोहम्मद मुबशिर सर ने हमें ट्रेनिंग दी थी और वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। आप बोलिए। हमने भी बहुत मेहनत की थी, मुबशिर सर ने हमें सपोर्ट किया, कि हमारे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, हमें जाए खेले और कुछ मुस्तकबिल बनाए, आगे चल बन के आए। तो क्या कौन से स्कूल में बेटा? मैं VIPs इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या एज है आपकी? मेरी एज 12 है। आपकी एज क्या है बेटा? मेरी एज 13 है। जी, कौन सा स्कूल में? मैं मॉर्निंग स्टार स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? देखिए 1 या 2 घंटे करते हैं प्रैक्टिस। आप कितने करते हैं? जी स्कूल में 1 आवर करते हैं और हम क्लब को जाते हैं, वहाँ पे भी 1 आवर करते हैं, एक आवर मॉर्निंग में, 1 आवर इवनिंग में। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके दोस्तों को? जी कि आप लोग पूरे स्पोर्ट्स में आगे बढ़िए, आजकल के दौर में स्पोर्ट्स रहना ज़रूरी बहुत हो गया है। आप? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें हमारे स्टेट को, हमें दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, कभी भी कुछ भी हमारे साथ हमेशा हो सकता है, सेल्फ डिफेंस करना चाहिए हमें। मैं टीम सनशाइन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एसोसिएशन का स्टूडेंट हूँ। हमने हमारी एसोसिएशन की तरफ से स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट गेम्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फाउंडेशन के फाउंडेशन में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर जीते?
ये रिसेंटली मैसूर कर्नाटका में चैम्पियनशिप हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको मैसेज देना चाहेंगे कुछ? मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि कोई ना कोई स्पोर्ट में अपने आप को बिजी करे, ताकि आप आजकल के हालात के हिसाब से आप अपने आप को बचा सके, सेल्फ डिफेंस कर सके। आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद राहिफुद्दीन है। मैं सनशाइन स्पोर्ट्स एंड एसोसिएशन की तरफ से मैसूर में जो कंपटीशन हुआ था ऑल गेम्स स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैम्पियन बन गया है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग कोई ना कोई स्पोर्ट्स में जाइए, क्योंकि एक स्पोर्ट एक ऐसी फील्ड है जिससे आप अपने देश का नाम बहुत ज़्यादा ही रोशन कर सकते हैं, और अपने माँ बाप का, अपने पूरे स्टेट का, अपने कंट्री का नाम रोशन करके आप अपने आप को साबित। फ्यूचर प्लानिंग क्या है जी? एक्चुअली मेरा फ्यूचर प्लानिंग है इसमें स्पोर्ट्स में आगे जाना है और एजुकेशन।